Hey guys, how are you? Well, in the next class, sorry, in the previous class, we were looking at food, और इसमें हम ये देख रहे थे कि हम क्या क्या खाना खाते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से हैं, हमारे एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं और हमारे प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हम दिन में कब कब खाना खाते हैं और उस खाने को हम क्या कहते हैं। तो सुबह के खाने को क्या कहा हमने, ब्रेकफास्ट। दोपहर के खाने को क्या कहा हमने, लंच। और जो रात के टाइम में हम खाना खाते हैं, फाइनल टाइम, उसका नाम क्या है, डिनर। यस, एनीवेज, जो भी हम खाना खाते हैं इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है डाइट का, कि हम क्या खाते हैं। अब हम आज सीखते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। ओके, बैलेंस डाइट क्या होता है? तो देखो, हमारे बॉडी को जो है हर एक तरह के खाने की जरूरत पड़ती है फिट और हेल्दी रहने के लिए। हम लोगों ने बात की थी ना, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव। तो सब तरह के खाने के आइटम को खाओगे तभी जाके बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना, है ना। तो बेसिकली हमें जो है हर एक तरह का फूड आइटम थोड़ा बहुत खाना चाहिए। एक बैलेंस डाइट वो होता है जो कि हमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। ओके, अ बैलेंस डाइट गिव्स आवर बॉडी ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू स्टे हेल्दी। ठीक है, बैलेंस खाना वो है जो कि हमारे बॉडी को सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व देता है जो कि हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया पोषक तत्व। अब कुछ फूड जो है वो हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ फूड ऐसे हैं जिनको भी खाने से पहले पकाना पड़ता है। जैसे सैलड्स की बात कर लो, फ्रूट्स की बात कर लो, नट्स की बात कर लो, इनको तो हम कच्चा खाते हैं। दूसरी तरफ फिश, मीट, पल्सेस यानी कि दाल, वेजिटेबल्स, इन सबको हम पका के खाते हैं। कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिनको कि हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी, जैसे कि कैरेट हो गया, गाजर, कच्चा गाजर भी खाते हैं ना हम सलाद में, और गाजर का हलवा भी खाते हैं। सेम गोज फॉर टर्निप, टोमेटोज, रेडिश, ओनियन, सबके साथ ये होता है, इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और इनको जो है हम पका कर भी खा सकते हैं, है कि नहीं। तो दैट इज आवर बैलेंस डाइट, और हमेशा ध्यान रखिए हमें बैलेंस डाइट ही खाना चाहिए, समझे कि नहीं। अब लोग जो है वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग जो हैं जो कि फिश, एग्स, मीट वगैरह खाते हैं, तो जो लोग ये चीज़ खाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस। ओके, और दूसरे लोग हैं जो कि फिश, मीट, एग्स नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं हम वेजिटेरियंस। अब आप नॉन वेजिटेरियन हैं कि वेजिटेरियन हैं, वेल आप मुझे बता सकते हैं, है कि नहीं। खैर, अब कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि हम खा तो सकते हैं लेकिन वो हमें बीमार बना सकते हैं। रीज़न ये है कि इसमें ढेर सारा तेल हो सकता है, ढेर सारा चीनी होगा, ढेर सारा जो है नमक होगा। इस तरह के खाने को जो है हम जंक फूड कहते हैं। नॉर्मली देखो, जंक का मतलब होता है कचरा, तो कचरा वाला खाना, जैसे फ्राइज होता है ना, वो आलू वगैरह जो लोग फ्राई करके खा लेते हैं फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, या पिज्जा लोग खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, या फिर अभी जो आप लोग जो है ठेले वगैरह पर जो है कभी चाउमीन खा लेते हो, है ना। तो ये सब क्या है, ये जंक फूड हो गए। ओके, जो आप कुरकुरे वगैरह भी आप शॉप से खरीदे खाते हो, ये भी क्या है, जंक फूड है। इनमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा होगा या फिर सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, इनमें और भी कुछ डेंजरस चीज़ें मिली, खतरनाक चीज़ें मिली हो सकती हैं जो कि हमें बीमार बना सकती हैं। एंड दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज अवॉइड जंक फूड, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव बैलेंस डाइट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है अगली बार बताऊंगा कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है। ओके, दैट इज फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।